बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंस्टेंट डार्क स्किन को फेयर करने का नुस्खा बताऊंगी और साथ में डार्क एरियाज को फेयर करने का बेहतरीन टोटका भी बताऊंगी। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद आपका कोई भी डार्क एरिया होगा वो बिल्कुल फेयर हो जाएगा, और इवन अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डार्क है तो उसके ऊपर एक ही बार इस्तेमाल करने से आपकी स्किन इंस्टेंटली फेयर हो जाएगी। बिल्कुल इंस्टेंटली आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको किसी फंक्शन पे जाना है या किसी पार्टी पे जाना है तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चले हम इस नुस्खे को बनाना शुरू करते हैं। इंग्रीडियंट्स को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके बहुत काम आएगा। सबसे पहले आधा चम्मच मैं लूंगी माल्टे के छिलकों का पाउडर। माल्टे के छिलकों को सुखा के उनका पाउडर मैंने लिया। उसके बाद एक चम्मच मैंने लिया है बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर। उसके बाद तकरीबन एक चम्मच का चौथा हिस्सा मैंने लिया है मीठा सोडा। उसके बाद एक चम्मच मैंने लिया है यहाँ पे दही, मैंने घर का दही इस्तेमाल किया है खट्टे वाला। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें मिलाया है कोलगेट टूथपेस्ट। ठीक हो गया। फाइनली तमाम इंग्रेडिएंट को ध्यान से देख लीजिए और आपकी सहूलत के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख भी दूंगी और यहाँ पे भी मैंने काफी वजाहत से आपको समझा दिया है। आप पीछे जाके भी दोबारा से इंग्रेडिएंट्स को देख सकते हैं। और अब मैं इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करूंगी। जब तक मैं इनको मिक्स करती हूँ आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल पर डेली न्यू आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे चैनल पे डेली 9 बजे नई वीडियो आती है, उसका नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन को प्रेस करने पे ही मिलेगा। पुराने दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि बेल आइकन को चेक कर लें ताकि अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब आपका पैक जो है वो बनकर रेडी हो गया है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ही डार्क है तो ये फेस पैक आपके लिए बहुत ही मैजिकली काम करेगा, बहुत ही इंस्टेंटली आपको फेयर करेगा। आप एक ही दफा इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी आदत हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इवन आप वीडियो को डाउनलोड करके रख लेंगे। यहां मैं आपको ऑलरेडी अपने दोनों हाथों में डिफरेंस दिखा देती हूँ। हमेशा मैं आपको लेफ्ट हैंड पे लगा के दिखाती हूँ, लेफ्ट हैंड ऑलरेडी फेयर है तो आज हम जो अप्लाई करेंगे अपने राइट हैंड पे, ताकि आपको किसी किस्म का कोई अभाम ये शक न रहे कि लेफ्ट हैंड हमारा ऑलरेडी फेयर है। तो आप हमें आप ही जानी राइट हैंड पे अप्लाई करके दिखाएं। आज राइट हैंड पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते वक्त आपने साथ साथ हल्के हाथ से जो है वो राउंडली यानी कि सर्कुलर मोशन में इसको मसाज भी करते जाना है, और उसके बाद इसको अप्लाई करके आपने छोड़ देना है 20 से 25 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट में ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा। 20 से 25 मिनट इसको गुजर गए, अगर आपने चेहरे के ऊपर अप्लाई किया और अपने बारीक बालों को भी रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से मसाज करेंगे। मसाज करते वक्त आपके बारीक बाल जो है वो बारीक रवा जो है वो निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। मोटे और हार्ड बाल जो है वो इससे रिमूव नहीं होंगे। ठीक हो गया। और अगर आप बालों को रिमूव नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किन को फेयर करना चाहते हैं, तो आप इसको डायरेक्ट ठंडे पानी से या नॉर्मल पानी के साथ वॉश कर दें। वॉश करने के बाद का रिजल्ट आपके सामने, आप तवज्जो से रिजल्ट को देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग गई, आपको रिजल्ट अच्छा लग गया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए क्योंकि रिजल्ट आपको दिख गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाती है तो प्लीज इसको लाइक करने में कंजूसी मत किया करें। दोनों हैंड्स एक जैसे लग रहे हैं, तो जो डिफरेंस था स्टार्ट में मैंने आप लोगों को दिखाया था दोनों हाथों में, तो वो बिल्कुल सेम लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं। जो इसमें ब्लैकनेस थी, जो डार्कनेस थी राइट हैंड में, वो बिल्कुल लेफ्ट के जैसा ही लग रहा है। तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, मजीद वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और को लाइक जरूर किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। मैं आइंदा भी आप लोगों के लिए ऐसी इंस्टेंट रेमेडीज लेके हाजिर होती रहूं। तो बहुत सारी बातों के बाद साथ ही आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे दूसरे चैनल मल्टी ब्यूटी को भी विजिट करें और वहां पे कमेंट्स करें कि अगर वहां की वीडियोज आपको अच्छी लगती है तो मैं वहां भी और वीडियोज जो है वो अपलोड कर सकूं। तो बहुत सारी बातों के बाद फाइनली हम चलेंगे अपने आज के लेसन की तरफ, और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि जब तुम्हें जिक्र इलाही सुनना अच्छा लगने लगे तो जान लो कि तुम्हें अल्लाह से और अल्लाह को तुमसे मोहब्बत हो गई है। सुभान अल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो के साथ साथ आपको लेसन भी अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा अपने वालिदैन का और अपनी सेहत खूबसूरती का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अपने बच्चों का भी ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह होती है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सबा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और मल्टी ब्यूटी। अल्लाह हाफिज़।